तो फाइनली दो बैग तैयार हो गए हैं, मतलब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। जब भी दिल्ली जाता हूँ तो एक स्माइल फेस पर आ जाती है, और वही स्माइल अब बरकरार रहेगी नेक्स्ट कुछ आने वाले दिनों तक। दिल्ली जाने का इस बार एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमेशा तो किसी काम से जाता हूँ, इस बार भी एक बहुत ही अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। आज है 15 अप्रैल, और शायद आप ये वीडियो काफ़ी महीनों बाद देख रहे हो, सो मैं भी देख रहा हूँ आपके साथ में, पूरा वक्त रिमाइंड हो रहा है। वो सब छोड़ो, अभी निकलता हूँ यहाँ से, वक्त हो गया है 4 PM इन द इवनिंग को। दिल्ली में हमारा जो आहंग है, हमारा जो परिवार है वहाँ पर, थिएटर परिवार, उसका शो होने वाला है पहलवान की ढोलक। एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है उस दिन। सो लगभग एक साल बाद हमारा आहंग थिएटर का वो शो हो रहा है, लेट्स गो। एक सेकेंड, बाल और बियर्ड दोनों बड़े हुए हैं, तो शायद ये ठीक करवाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनली कल रात को मैं दिल्ली पहुंच गया था। मॉर्निंग उठने के बाद मैंने शेविंग वगैरह और हेयर कट वगैरह करवा लिया अच्छे से, क्योंकि अभी जा रहा हूँ शो में। कुर्ता पहना है, ब्लैक कुर्ता, ब्लैक जींस और ब्लैक बूट्स। और अभी वक्त हो गया है 12:35 इन द आफ्टरनून, सो अभी निकल रहा हूँ सर के घर पर। हमारा जो स्टूडियो है, आहंग का स्टूडियो, वहाँ पर, और उसके बाद हम सारे साथ में निकलेंगे आरी ऑडिटोरियम जो इस्कॉन टेम्पल के पास में, वहाँ पर। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो सर, करी पड़ा जी, बढ़िया। और भाई बढ़िया? हाँ सर, जूती जूती ले गए हैं सर, सारी प्रॉपर्टी ले गए। हेलो विजय भैया, कैसे हो? क्या हाल है? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। कोरोना के 1.5-2 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। सर फावड़ा और कुदाल कट हो गया है, क्या करोगे? घंटे जी के वहाँ पे था फावड़ा, तुमको बनाऊंगा मैं। सर वो सर ने मना कर दिया, वो फावड़ा। तो अभी जो हमारे पहलवान की ढोलक नाटक होने वाला है, उनके डायरेक्टर से आपको मैं मिलवाने वाला हूँ। ये है डॉक्टर हिरण्य हिमकर सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे गुरुजन हैं। सर बताइए कुछ नाटक के बारे में। कोविड के बहुत कड़े समय में हम ये नाटक कर रहे हैं, काफ़ी डरे हुए भी हैं, लेकिन दरअसल हम उस नियम के तहत ये नाटक कर रहे हैं, शो मस्ट गो ऑन। हम जानते हैं कि समय बहुत ख़राब है, लेकिन टीम की जोश और नाटक की तैयारी हो चुकी थी, तो हमें लगा कि एक बार ये नाटक करना चाहिए, और कोविड का ये जो दौर ख़त्म होगा उसके बाद फिर हम इस नाटक को खुशी खुशी करेंगे। और अभी वक्त हो गया है 2 PM इन द आफ्टरनून, मतलब लगभग 2.5 घंटे बाद हमारा जो नाटक वो हो जाएगा। सब लोग हैं जो प्रॉपर्टीज वगैरह गाड़ी के अंदर रख रहे हैं, और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। आहंग हमारे लिए एक परिवार जैसा है, और अभी सारे परिवार के लोगों से मिलकर हमेशा बहुत स्पेशल और अमेजिंग लगता है। फाइनली हम लोग जो आर्य ऑडिटोरियम है वहाँ पर पहुँच गए हैं सारे कलाकार लोग, और हम लोग बैक स्टेज वाले हैं। पहले भी मैं यहाँ पर एक बार आ चुका हूँ, जब महाभारत की प्रैक्टिस चल रही थी तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम है, तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, और सामने वहाँ पर जो कलाकार वगैरह हैं, तो रिहर्सल होती है शो स्टार्ट होने से पहले, कुछ टाइम पहले मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी वो वक्त निकल गया है। सो आज हम देखने के लिए आए हैं और इस प्यारे से मोमेंट को जीने के लिए आए हैं। तो हिमकर सर जो अपनी जो पहले अच्छे से जो ट्रेनिंग होती है वो देते हैं, किस तरह से क्या क्या करना, विंग्स वगैरह समझाना, लाइटिंग वगैरह का सब कुछ बता रहे हैं। ये चीज़ कान खोल कर समझिए, जो जहाँ रखा हो उसे पड़ा रहने दीजिए। एक बार पोजीशनिंग हम सब लोग ले लेते हैं कि कैसे कैसे करना। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है, लाइटिंग का एक बार देख ले। सबसे पहले ये हमारे जो मेरा राइट है तुम्हारा लेफ्ट होगा, सिर्फ इस विंग में आए, पूरे स्टेज पर नहीं, इस किधर आए और अपने स्टेज पे। हाँ क्या भैया, अंधेरा सा आ रहा है। अभी सामने सभी लोगों की जो पोजीशंस होती हैं जो विंग्स के अंदर, वो सर डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पर किसको कैसे बैठना है। और हर एक स्टेज के पीछे कलाकारों को तैयार होने के लिए ग्रीन रूम्स होते हैं, तो यहाँ पर एक ग्रीन रूम गर्ल्स के लिए होता है और एक एक ग्रीन रूम बॉयज के लिए होता है। तो अभी मैं आपको ग्रीन रूम दिखाता हूँ। मिल गया शॉट। ये है बाहर से कुछ ऐसा दिखता है आर्य ऑडिटोरियम, और यहाँ पर अंदर स्टार्ट होने वाला, लगभग 4:10 हो गई है बाहर। ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी देर में बारिश आएगी, और मेरे साथ है जो यहाँ पर है अमन भाई। ऐसे ही किसी एक ऑडिटोरियम के बाहर हम शो देखने के लिए आज से 4-5 साल पहले मिले थे,
और उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। भाई बहुत अच्छा मतलब एडिटर है, वीडियो एडिट करता है और बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ काम कर चुका है। और ठीक है मन, बढ़िया। लगभग लॉकडाउन के दोस्त एक दो साल बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना। कान वान सिधवा लिए, भाई की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई है। वाह मैन क्या बात है, हट्टा कट्टा हो गया। चलो ठीक है, बात करते रहेंगे। अभी बाहर थोड़ा प्रॉपर्टी लेके आनी है मेरे को, तो वो लेकर आता हूँ, फिर अंदर जाएंगे हम लोग। चले हम सब विद्यार्थी हैं, सीखने वाले हैं। अंबेडकर जागृति संस्थान के सौजन्य से ये पहलवान का ढोलक नाटक आज आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। उसमें जो पहलवान है लुट्टन, वो जात का दुसाध है। क्यों चुना होगा उन्होंने अपने मुख्य चरित्र को जात के दुसाध के रूप में? पहलवान है, पहलवानी कर सकता है कोई भी जाति का हो, लेकिन उन्होंने इसे मेंशन किया है, उन्होंने इसे बताया है कि वो जात का दुसाध है। यानी वो वंचित समाज को मुख्य धारा के साथ लाना चाहते थे और बताना चाहते थे। अगर आज के मंचन में, लुट्टन सिंह में, अगर आपको जाति वंचित समाज ना दिखाई दे, तो यही रेणु की भी सफलता होगी, आहंग की भी सफलता होगी और बाबा साहब की तो सफलता है ही। तो बिना समय गवाए आहंग आज के दिन प्रस्तुत करने जा रहा है आपके सामने पहलवान की ढोलक। खेती पथारी में कोनो लाभ नहीं रहा, पूरा दिन हार मास जलाओ, फसल उगाओ और सारा का सारा फसल दादाजी पर टिकस के रूप में बांट दे दो। ठीक कह रहे हो भैया, किसानी में अब जरिद को फायदा नहीं रह गया। एक तो सुखाड़ पड़ा है, अब तो ये हमको टिकस दे। अरे राजा जी का गलती नहीं है भैया, हमको तो अंग्रेजों ने मार दिया है। अरे कुछ अंग्रेजों ने नहीं मारा, सब गलती राजा जी का। आप नहीं समझ रहे भैया, ये सब राजा की हजम करता है। शरीर तो मजबूत है और बदन भी गढ़ा हुआ, लेकिन मेरा लेकिन राज्य की महान परंपरा के हिसाब से गिरा हुआ। नशे तो देखो चटक रही, उसी खुराक में कोई कोताही। महाराज हम जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो हमारा ध्यान रखने के लिए माँ से बढ़कर सास पंजाब का नामी पहलवान चांद सिंह पूरे देश में रोशन हो रहा है। राजा साहब उसके कुश्ती के दांव पेच गजब के हैं, दुरुस्त और फुर्तीला इतना कि चीता को पछाड़ दे। हाँ, उसका दंगल मैंने पंजाब के होला खुद मेले में देखा था, बड़ा ही जवाब है। अगर अफसोस कि हमारे देश में ऐसा नहीं रहता। जी राजा साहब, उसको देखकर रंज होता है कि बिहार की इस भूमि पर बुद्ध, महावीर जैन, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विद्यापति जैसे न जाने कितने महान विभूति हुए हैं, लेकिन चांद सिंह का ना होना भी साधता है। अगर चांद सिंह से कुश्ती कौन लड़ेगा? महाराज हम लड़ेंगे, महाराज हम। मारे जाओ लुट्टन, ये विचार छोड़ दो। वही लंबा चौड़ा कर, ये तो आपकी दया है महाराज। राजा साहब ने आपको बिहार में सम्मानित करने के लिए बुलवाए हैं, आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे मिले तो उनको क्या कष्ट, कष्ट तो चांद सिंह से कोसों दूर है। जर्रा नवाजी आपकी हुजूर। मैनेजर जी, हम इस चांद सिंह से कुश्ती लड़ना चाहते हैं। पागल ना बनो, हम बिल्कुल होश में कह रहे हैं। अभी कुछ मत बोलो। चांद सिंह आपसे गुजारिश है, ना नहीं कहेंगे आप? आप तो दसो महाराज, आप तो गुजारिश ना करो, हुक्म फरमाओ हुक्म। आपको हम अपने दरबार में रखना चाहते हैं। मुझे चांद सिंह से कुश्ती लड़नी है। अरे पागल हो गए, हिम्मत तो पागल है, पागल महाराज। हम बिल्कुल होश में बात कर रहे हैं, अगर नहीं लड़े तो भले ही पागल हो जाएंगे, और इस चांद सिंह से हार गए तो कोसी में चल समाधि ले लेंगे। हार बखरदार गया, 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 गया,
आपकी। बस बहुत ही अच्छे पहलवान की ढोलक जबरदस्त नाटक के बाद हमारे सारे कलाकार मेरे साथ हैं। सो गाइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत करो, बहुत अच्छा नाटक किया सबने, बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, जबरदस्त।